Presenting Civil Guruji app, available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर सौरभ मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे डेवलपमेंट लेंथ क्या है और हम उसको क्यों प्रोवाइड करते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट लेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट लेंथ है क्या। डेवलपमेंट लेंथ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो लेंथ जिसकी हेल्प से आसानी से स्ट्रेस को कंक्रीट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वो लेंथ हमारी डेवलपमेंट लेंथ होती है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि बीम को एक्स्ट्रा हमने बढ़ा के कॉलम में इंसर्ट किया है कि वो लेंथ जो हमारी हो रही है वो हमारी डेवलपमेंट लेंथ है। अब हम बात करेंगे कि क्या रीजन है जो हम डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंक्रीट और स्टील सरफेस के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए डेवलपमेंट लेंथ एक वाइटल रोल प्ले करती है। डेवलप ए सिक्योर बॉन्ड बिटवीन द सरफेस ऑफ बार एंड कंक्रीट, एक सिक्योर बॉन्ड बनाती है अपनी कंक्रीट और स्टील सरफेस के बीच में। और अगर हम डेवलपमेंट लेंथ को यूज कर रहे हैं तो फाइनल लोड कंडीशन के दौरान हो रही स्लिपेज की समस्या को, स्लिपेज के फेलियर को सॉल्व किया जा सकता है अगर हम डेवलपमेंट लेंथ यूज कर रहे हैं। अब हम एक फिगर से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट लेंथ को किस तरह से सही दिखाया गया है। डेवलपमेंट लेंथ इज प्रोवाइड एट द बीम एंड कॉलम जंक्शन, एकदम बीम एंड कॉलम के जंक्शन पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इससे इसमें डेवलप होने वाले स्ट्रेस को इजीली ट्रांसफर किया जाता है कंक्रीट में। उसके बाद एक फिगर में और दिखाया गया है जिसमें बीम को कॉलम तक नहीं बढ़ाया गया है और वहां पे जॉइंट में कोई डेवलपमेंट लेंथ नहीं दी गई, जिससे हमारी जो स्लिपेज की समस्या है, स्लिपेज की प्रॉब्लम है, वो स्ट्रेस जो फाइनल लोड कंडीशन के समय जो हमारी स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, स्लिपेज की प्रॉब्लम होती है, अगर हम डेवलपमेंट लेंथ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। तो ये फिगर में आपको प्रॉपर शो हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ नहीं दी गई है और ये गलत तरीका है। हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट लेंथ को अफेक्ट करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जब ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी तो हम कम डेवलपमेंट लेंथ यूज़ करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट लेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब बात करते हैं डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। द डेवलपमेंट लेंथ मस्ट बी इंक्रीज इफ लाइट वेट कंक्रीट इज यूज्ड, अगर लाइट वेट कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो हमारी डेवलपमेंट लेंथ ज़्यादा होगी। रीबार कवर, द लेंथ विल डिक्रीज इफ वी डिक्रीज क्लियर कवर, क्लियर कवर कम कर रहे हैं तो हमारी डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज करेगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।